तो हमारा देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, लेकिन आज हम दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया के बारे में जानेंगे। रशिया अपने आप में इतना बड़ा देश है कि ये पाकिस्तान से 21 गुना ज्यादा बड़ा है, हमारे देश से 5 गुना और चाइना से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। पूरी दुनिया पर जितनी भी जमीन मौजूद है उसकी 10% जमीन अकेले रशिया के पास ही है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी एरिया इतना बड़ा है कि अगर आप रशिया के वेस्ट से ईस्ट में ट्रेवल करेंगे तो 11 बार आपको अपनी घड़ी में टाइम बदलना पड़ेगा, क्योंकि रशिया में आप 11 टाइम जोन से गुजरेंगे। अब इतने बड़े एरिया की वजह से दुनिया की सबसे लंबे रूट की ट्रेन भी आपको रशिया में ही मिलेगी, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल रोड, जो अपने सफर में 9000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। दोस्तों हमारा देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, लेकिन आज हम दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया के बारे में जानेंगे। रशिया अपने आप में इतना बड़ा देश है कि ये पाकिस्तान से 21 गुना ज्यादा बड़ा है, हमारे देश से 5 गुना और चाइना से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। पूरी दुनिया पर जितनी भी जमीन मौजूद है उसकी 10% जमीन अकेले रशिया के पास है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब रशिया को अपना एरिया मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से रशिया ने अपना अलास्का वाला एरिया यूएसए को सेल कर दिया था, वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर। उस वक्त अलास्का का ये एरिया रशिया ने सिर्फ 2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से यूएसए को बेचा था। रशिया का एरिया इतना बड़ा है कि अगर आप रशिया के वेस्ट से ईस्ट में ट्रेवल करेंगे तो आपको 11 बार अपनी घड़ी का टाइम बदलना पड़ेगा, क्योंकि रशिया में आप 11 टाइम जोन से गुजरेंगे। अब इतने बड़े एरिया की वजह से दुनिया की सबसे लंबे रूट की ट्रेन भी आपको रशिया में ही मिलेगी, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल रोड, जो अपने सफर में 9000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है।